गाइस इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर प्रभात स्टारर फिल्म कल्कि चल रही है। आपको बता दें इस फिल्म को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 34 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इस फिल्म के 34वें इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इस फिल्म के 35वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में शाहरुख खान की 2023 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के 35वें दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं और जानेंगे इन दोनों फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस पर आखिर किस फिल्म ने बाजी मारी है। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रभात स्टारर फिल्म कल्कि के बारे में। आपको बता दी ये एक साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दी इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें प्रभास, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, दिशा पटनी, दुलकर सलमान और अन्ना बेन जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दी इस फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दी इस फिल्म को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 95 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 414 करोड़ 85 लाख, दूसरे हफ्ते में 128 करोड़ 50 लाख, तीसरे हफ्ते में 56 करोड़ 10 लाख, चौथे हफ्ते में इस फिल्म ने 24 करोड़ 40 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं 32वें दिन इस फिल्म ने 4 करोड़, 33वें दिन 1 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 34वें दिन यानी अपने 5वें मंगलवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1 करोड़ रुपए का रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म कल्कि का टोटल 34 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 634 करोड़ 5 लाख रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म कल्कि ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 1039 करोड़ 90 लाख रुपए के रेंज में दमदार कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 35वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने 35वें दिन यानी अपने 5वें बुधवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 80 से 90 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वही ये सब बात कर लेते हैं साल 2023 में रिलीज हुई शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के बारे में। आपको बता दी ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दी इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन एटली कुमार ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 7 out of 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 389 करोड़ 88 लाख, दूसरे हफ्ते में 136 करोड़ 10 लाख, तीसरे हफ्ते में 55 करोड़ 92 लाख, चौथे हफ्ते में इस फिल्म ने 35 करोड़ 63 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 33वें दिन 88 लाख, 34वें दिन 82 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 35वें दिन 79 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इस तरह से फिल्म जवान का टोटल 35 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 626 करोड़ 47 लाख रुपए का हो गया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म जवान का टोटल 35 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1121 करोड़ रुपए की रेंज में हो गया था। वैसे कैसे आपको प्रभात स्टार फिल्म कल्कि और शाहरुख खान स्टार फिल्म जवान में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।